नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। ये मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का सफर शानदार रहा है और टीम ने दो मैच खेले और दोनों में ही जीत दर्ज की है। इसी की वजह से टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। इसके उलट सनराइजर्स हैदराबाद इस लिस्ट में सबसे नीचे चल रही है। टीम लीग में एकमात्र ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है और उसका खाता भी नहीं खुल सका है। दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सुपर ओवर में मैच जीतने के बाद अगले मैच में तीन बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। टीम की गेंदबाजी में पैनापन है और उन्हें अन्य टीमों से काफी बेहतर बना रहा है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उनके लिए बल्लेबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। टीम बेंगलोर के खिलाफ पहले मैच में 164 रन बनाने में असफल रही थी। वहीं अगले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 142 रन ही बना पाई थी, जिसे केकेआर ने आसानी से हासिल करते हुए मैच जीत लिया था। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आईपीएल में इस मैच के दौरान दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, शुभमन हेटमायर, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, एनडिक नॉर्जे, आवेश खान और कंगिसो रबाडा। सनराइजर हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11: डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे, रुदमान साहा, विजय शंकर, विराट सिंह, मोहम्मद नबी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ।